कम बैक। और इसी लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कि रिएक्शन के टाइप्स के बारे में, और वहाँ हम लोग एक रिएक्शन जो कि कम्बिनेशन रिएक्शन है उसके बारे में भी बात कर चुके थे। अब हम लोग किसी बारे में बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए नाम से पता चला है, डिकम्पोज मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, क्या होता है? ब्रेक करना, टूटना या स्प्लिट करना। तो एक ऐसा रिएक्शन, रिएक्शन तो अभी तक याद है ना आपको, रिएक्शन क्या होता है? सिंपली अगर केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल चेंज होना। तो इसमें क्या होना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो ये इस तरह का रिएक्शन, एक इस तरह का चेंज है, केमिकल चेंज है, जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट, आपको कॉम्बिनेशन में याद है कि ए प्लस बी मिलकर सी बनता था, आप कॉम्बिनेशन में ये देखे थे, इसका उल्टा यहाँ होने वाला है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सी टूट के ए और बी में चला जाएगा। तो सिंपली डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर डिफाइन करना चाहिए तो क्या होगा? तो देखिए, एक कंपाउंड था या एक रिएक्टेंट था और वो टूट के किसमें बदल गया? ठीक है, तो वो टूट के दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस भी बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है कोई तीसरा भी बन जाए। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन, अब इसको हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक रिएक्शन या दो रिएक्शन ही बोल सकते हैं, ए रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड, इन विच वहाँ सिंगल रिएक्ट, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता था, यहाँ सिंगल रिएक्टेंट होने वाला, इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक कर जाता है, या अच्छा होगा अगर आप लिखे स्प्लिट कर जाता है, स्प्लिट ब्रेक और स्प्लिट इनटू ब्रेक या स्प्लिट कर जाता है किसमें? टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, यानी जितना वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स था उससे सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है, सिंपलर सब्सटेंस। आपको एग्जांपल से और क्लियर होगा। अभी पिछले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग एक रिएक्शन देखे थे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जिसको क्विक लैम भी बोलते हैं, वो जब वाटर के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, जैसे लिख लें। ये अगेन अगर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये दोनों क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट या जिसको मार्बल या लाइम स्टोन बोलते हैं, ये ही बनाया था। इसका उल्टा हम लोग यहाँ कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ले लें और उसमें कुछ एनर्जी सप्लाई करें। जब भी हमको किसी चीज़ को तोड़ना है, ठीक है, चाहे आपको कागज कोई फाड़ना है या कोई चीज़ तोड़ना है, ग्लास ही तोड़ना है, तो वहाँ आपको एनर्जी अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ एनर्जी हमको देना पड़ेगा। अब एनर्जी किसी फॉर्म का हो सकता है, अभी हम लोग बात करेंगे, लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, ये मीन तीन कॉमनली अवेलेबल एनर्जी है हम लोग के पास। तो ये तीन तरह का हो सकता है। तो अगर हम एनर्जी अप्लाई करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो इससे क्या होगा? जिससे ये आया था उसी में वो टूट जाएगा। ठीक है, जिससे आया था उसी में क्या होने वाला है? वो टूट जाने वाला। पहले यहाँ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से टूट के वो कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। और उसके साथ साथ क्या निकलेगा? तो उसके साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाला है। बोलेंगे यहाँ तो इधर से आया था तो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए था, जी, लेकिन आप हीट कर रहे हैं ना। अगर मान लीजिए यहाँ हीट किया जाता है, मान लीजिए हीट किया जा रहा है, तो वो भी जो वाटर सप्लाई किया था ये बॉन्ड भी टूट गया, फाइनली जहाँ से आया था वहीं चला जाता है। ये एक तरह का कैसा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ध्यान क्या रखने वाला है? तो रिएक्टेंट एक ही होना चाहिए। ठीक है, और भी एक एनसीईआरटी में आपको जो फेमस दिया हुआ है एक दो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक रिएक्शन है आपको आयरन सल्फेट के बारे में, ये रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं, वैसे फिर भी देख लेते हैं। आयरन सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसमें जब हम लोग हीट करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो हीट सप्लाई करने पर क्या होता है? तो ये टूट जाता है। किस किस में? तो एक बन जाता है इसका आयरन का ऑक्साइड, जिसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ 3+ में, तो फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, और एक बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और एक बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए यहाँ तीन प्रोडक्ट भी फॉर्म हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या देखना है कि रिएक्टेंट एक होना चाहिए। एक रिएक्टेंट जब ब्रेक करके टू या टू से ज़्यादा प्रोडक्ट में बन जाए तो इसी को डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी अलग अलग रूप में लगे। तो हम लोग जब इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे थे तो हम लोग बोले थे कि सारे इंडोथर्मिक रिएक्शन जो है, सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो इंडोथर्मिक है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इंडोथर्मिक रिएक्शन वो किसकी तरह का हो सकता है? तो एनर्जी रिक्वायरमेंट इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इस तरह का हो सकता है, या तो हीट, या तो लाइट, या इलेक्ट्रिसिटी। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी किस किस तरह का हो सकता है? तो वो हो सकता है हीट, जैसे कि ऊपर में दो एग्जांपल देखें। एक हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, जो अभी हम लोग देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट, और जिससे क्वेश्चन भी अच्छा है एनसीईआरटी। और एक होता है हीट, इलेक्ट्रिसिटी, और फाइनली हम लोग देखेंगे लाइट। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ हीट हो रहा है तो इसको बोल देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके ये टाइप हो गए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर कोई बोले कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैं एक को डिफाइन कर दे रहा हूँ, आगे आप खुद कर देंगे, क्योंकि सबका एक ही है। तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो अगर हीट को यूज कर रहा है, ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच यूजेज हीट
ठीक है, जो क्या यूज कर रहा है, विच यूजेज हीट, हीट को यूज कर रहा है, तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोल देंगे हम लोग कि वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि ऊपर में था कैल्शियम कार्बन या मार्बल जो है वो टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, तो ये कैसा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कैसे हुआ है, हीट की मदद से, तो विच यूजेज हीट, या सिंपली ऐसे बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच यूजेज हीट फॉर इट्स अकरेंस, अपने होने के लिए, और जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं फॉर इट्स अक्यूरेंस, या और भी इजी कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरीड आउट बाई हीट, ठीक है, जो कैरी किया जाता है हीट की मदद से, तो अलग अलग डिफिनेशन आप बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं, मैं बोल, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी, आप ऐसे लिख देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरी आउट बाई इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या बोल देंगे, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, ये तो पहला टाइप हो गया, और इसका एग्जाम्पल ऊपर में है, और भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे ही देता हूँ, एनसीईआरटी में ही है, इसलिए एनसीईआरटी का रिएक्शन कोई नहीं छोड़िए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, इसमें PbNO3 यानी लीड नाइट्रेट है, इसको जब हम लोग हीट करते हैं, आपको हीट के लिए किसी किसी बुक में ट्रायंगल का जिसको डेल्टा बोलते हैं ये भी सिंबल मिल जाएगा, ये भी हीट को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इससे क्या बन जाता है, लीड ऑक्साइड, और बन जाता है क्या, तो देखिए क्या कहता है, लीड ऑक्साइड, और यहाँ से नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी ये निकल सकता है, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड, आपको ये पैटर्न सब देखना पड़ेगा, आपको रटना नहीं है, ठीक है, इससे क्या क्या निकल सकता है, तो देखिए PbO, तो एक ऑक्सीजन निकल गया, अब क्या बचा, अब बचा NO2 बचा होगा एक मॉलिक्यूल में, तो NO2 और फिर एक ऑक्सीजन, तो ये बनता है इसका, आपको रटना नहीं है कोई रिएक्शन, आपको ध्यान से देखना है, एक दो बार प्रैक्टिस करना है, खुद से हो जाएगा, रिएक्शन रटने वाला चीज़ होता नहीं, तो ये भी लीड नाइट्रेट जो है ये भी किसी से बदल गया, ठीक है, तो नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड में, लीड के ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कैसा है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, वो है, ठीक है, क्या चीज, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो, तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरीड आउट बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप लिख सकते हैं, मैंने बोला था। अब इसके लिए आपके बुक में एक डायग्राम है, आपको दिख भी रहा होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक आपको मग दिख रहा होगा, और उस मग में, मग नहीं, आप कंटेनर भी ले सकते हैं, कोई मान लीजिए बीकर है, ठीक है, उस बीकर में आपको दो इलेक्ट्रोड लगा होगा, ठीक है, आप इलेक्ट्रोड तो जानते हैं ना, एक ऐसा रॉड, एक ऐसा मेटल प्लेट, ठीक है, जो किसी चीज़ का हो सकता है, खाली कंडक्टर होना चाहिए, गुड कंडक्टर, ठीक है, जैसे यहाँ कार्बन का यूज किया हुआ है, तो ये दोनों क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रोड है, कार्बन यानी ग्रेफाइट यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट ही कार्बन का एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो एक ऐसा रूप है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो इलेक्ट्रोड होना चाहिए, इलेक्ट्रोड सिंपली क्या है, तो वो मेटल प्लेट या वो रॉड, रॉड यस ROD, वो रॉड जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट, और उसके साथ एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड होता है जो क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब लिक्विड विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के लिए वाटर लेते हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि डिस्टिल्ड वाटर यानी प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो इसके लिए यहाँ पे आप इसको एसिडिफाइड करेंगे, ठीक है, इसमें कोई एसिड डाल देंगे, आपको कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, हॉर्स में आ सकता है कि वाई एसिड इज एडेड या वाटर इज मेड एसिडिफाइड बिफोर इट्स डिकम्पोजिशन, ठीक है, मतलब वाटर जो है इसमें रिएक्शन इतना ही होने वाला है कि H2O को हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, और इससे ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, किसमें, H2 में और O2 में, ये हम कॉम्बिनेशन में इसका उल्टा देखे थे ना कि H2 और O2 बन गया था, ठीक है, H2O, इसलिए मैं बताया था कि एरो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एरो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ देखिए H2O टूट रहा है किसमें, H2 और O2 में, ये एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, और इसके लिए वाटर को क्या किया गया है, एसिडिफाइड, क्यों एसिडिफाइड किया गया है, बिकॉज, ठीक है, जो प्योर वाटर होता है, प्योर या जिसको डिस्टिल्ड वाटर भी बोलते हैं, वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बैड कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर देता है, इज बैड कंडक्टर, ठीक है, या बोल सकते हैं इज इंसुलेटर, इंसुलेटर है, इंसुलेटर ही बोलते हैं, बैड कंडक्टर वो इंसुलेटर ही बोलते, ठीक है, तो वो इंसुलेटर है, इसीलिए उसमें क्या किया जाता है, हम लोग एसिड डालते हैं जिससे उसमें चार्ज पार्टिकल आता है, ठीक है, क्योंकि एसिड में टच प्लस रिलीज होता है, आप जानते ही, तो इसीलिए वो चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का अलाउ कर देता है, ठीक है। अब यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन आप में कि NCERT में ही है, कहीं होगा मुझे याद नहीं है, पर है कि H2O में एक तरफ जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, वो कैथोड, एक तरफ जो निगेटिव बैटरी से, ये बैटरी से कनेक्टेड होगा, तो एक तरफ जो निगेटिव बैटरी से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है उधर उसको बोलते हैं एनोड, तो पॉजिटिव अगर ये वाटर है इसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो आता है कैथोड के पास और ऑक्सीजन इसके पास, तो बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो दोगुना क्यों हुआ ऑक्सीजन के मुकाबले, तो इसके लिए आपको इसके फार्मूला पे ध्यान देना पड़ेगा, H2O में H2 कितना है, हर एक ऑक्सीजन के लिए दो
हाइड्रोजन है, जो आप लोग डिफिनेट प्रोपोर्शन क्लास नाइन्थ के डिफिनेट प्रोपोर्शन से देखे होंगे। क्लास नाइन में हम लोग पढ़े हैं कि जो कंपाउंड बनता है, कोई मॉलिक्यूल बनता है, उसमें जो जो एलिमेंट है उनका फिक्स रेशियो या प्रोपोर्शन होता है। तो वही चीज़, यहाँ हर एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन है, इसीलिए जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन होगा वो डबल होगा, ठीक है, डबल फॉर्म होगा किसी कंपेरिजन में, ऑक्सीजन के कंपेरिजन में ये वहाँ पे होगा। और एनोड पे कौन फॉर्म होगा, ठीक है, तो एनोड पे फॉर्म होगा, एनोड चूँकि पॉजिटिव होता है, तो देखिए आप हाइड्रोजन को ऐसे देखिए, हाइड्रोजन बना किसे, हाइड्रोजन से H2O बना किसे, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन तो आप देखेंगे एच प्लस, आप लोग जानते ही होंगे कि हाइड्रोजन एच प्लस रहता है, कुछ पॉजिटिव रहता है, इतना तो याद ही होगा आपको। तो अगर एच प्लस है तो पॉजिटिव वाला किधर जाएगा, निगेटिव, क्योंकि ऑब्वियस रीजन है उसका, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो ये एच प्लस पॉजिटिव वाला किसकी तरफ जाएगा, निगेटिव कैथोड की तरफ। और ऑक्सीजन जो निगेटिव होता है, ऑफकोर्स निगेटिव होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन करने वाला है ना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो 8 है इसमें इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 6, तो इसको दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए। तो ये क्या करेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव। तो ये किधर जाएगा, अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ। तो ऑब्वियस रीजन है हाइड्रोजन कहाँ जाएगा और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ठीक है। और इसका डबल क्यों होता है, यही मैंने आपको बता दिया। और भी आपके पास एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि वाटर का हाइड्रोलाइसिस ही, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस। और अगर वाटर का हो रहा है तो इसको हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। तो आप लोग दो टर्म अगर और जानना चाहते हैं तो जान लीजिए, एक है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये सिंपली क्या है, लाइसिस कहीं भी आपको दिख जाए मतलब ब्रेकडाउन, मतलब टूटना, ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी टूट जाना, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है, तो ब्रेक करना है, ब्रेकिंग या स्प्लिटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट तो अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, वो लिक्विड मोल्टेन भी हो सकता है ऑफकोर्स। तो ब्रेकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे वो बना हुआ था। ये आपको ये लाइन स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं, आप सीधा लिख देंगे ब्रेकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर इलेक्ट्रोलाइट का, लेकिन यही अगर वाटर का हो तो उसको नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब तोड़ना है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसको, वाटर को। अब ये अगर आप नहीं समझे तो अब फिर से समझिए, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि किसी भी लिक्विड को यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। हाइड्रोलाइसिस क्या है, हाइड्रो मतलब पानी और लाइसिस मतलब तोड़ना, पानी को तोड़ना किसी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो इसको और लंबा कर सकते हैं आप, क्या बोल देंगे, द ब्रेकिंग ऑफ वाटर बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। तो आपके मन पे है ब्रेक बड़ा करना तो आपके बस में। और भी बहुत सारे रिएक्शन है जो हम लोग कर सकते हैं किसकी मदद से, तो कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो, ठीक है, एल्युमिनियम का अगर ऑक्साइड है आपके पास, एल्युमिनियम का क्या हो, ऑक्साइड, तो उस एल्युमिनियम के ऑक्साइड को जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, उस एल्युमिनियम के ऑक्साइड में जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या करने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करने वाला है, तो आपको क्या हो जाएगा, तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड अपने कंस्टिट्यूएंट में टूट जाएगा, ठीक है। किस किस में टूट जाएगा, तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड टूट जाएगा एल्युमिनियम में, किसी से बना एल्युमिनियम में और ऑक्सीजन में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बैलेंस करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा, दो एल्युमिनियम है तो दो एल्युमिनियम कर दीजिए, और यहाँ पे तीन ऑक्सीजन, ठीक है, तीन ऑक्सीजन है, पर यहाँ तो कितना, दो ऑक्सीजन ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो एल्युमिनियम, लेकिन हमको यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो इसके एलसीएम लेके आप ऐसे कर दीजिए, इसको भी 6 बनाते हैं, इसको भी 6, तभी बैलेंस हो पाएगा। आगे तो और बैलेंस करने का चांस दिख नहीं रहा, ठीक है, इसको तो और कर नहीं सकते ना। या आप इसको ऐसे कर दें कि 3/2, ठीक है, जैसे 2 2 कट जाए और 3 बन जाए, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बैलेंसिंग में, तो आप बैलेंसिंग के लिए इसको अच्छा होगा कि आप इसको 3 से कर दे, तो यहाँ भी 6 बना दे, ये 3 है तो इसको 2 बना दे, अब 2 2 जब 4 हो गया तो यहाँ 4 कर दे, ठीक है। बैलेंसिंग आप जानते हैं, आपको आता ही है, ठीक है, अच्छे से। और एक अलजबरा वाला मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ। तो ये इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक हो गया, ठीक है, ये भी एक रिएक्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें भी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे दें तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट में जो कि कौन है, Na और Cl, ठीक है, इसमें टूट जाता है, ठीक है। Na जिसमें सॉलिड है और क्लोरीन जो होता है वो गैस के रूप में Cl2 के रूप में रिलीज हो जाता है। तो ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन है, कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करने वाला, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लास्ट वाला जो है वो है कौन, तो बाय यूज ऑफ लाइट। मैंने बोला था कि तीन फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज होता है डिकम्पोजिशन में, लास्ट वाला कौन है, लाइट। तो अब हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइट, चलिए उसका बात कर लेते हैं, ठीक है।
क्या चीज़ का डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो उसी रिएक्शन को अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है किसकी मदद से, तो बाय यूज ऑफ लाइट। तो अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है विथ यूज ऑफ लाइट तो उसको हम लोग बोल देते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो तो समझते हैं ना, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। ठीक है, इट इज कॉल्ड क्या कहा जाएगा इसको, क्या बोला जाएगा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वेयर फोटो मीन्स व्हाट, फोटो मीन्स लाइट, तो इसको क्या बोल देंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको बोल देंगे। ओके, जैसे एग्जांपल लीजिए, तो हमारे पास एक दो एलिमेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, एल्युमिनियम का क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो, एल्युमिनियम, तो उसको हम लोग जब लाइट में दे देते हैं, ठीक है जी, सनलाइट में आप जहाँ दे दीजिएगा, यहाँ पे लाइट करने का मतलब सनलाइट, ये नहीं कि आप अपना टॉर्च वाला जला के बैठ जाइएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर आप सनलाइट दीजिएगा, अफेज एनर्जी चाहिए, तो ए जी और सी एल टू में टूट जाता है, जैसे ये बना है, होना तो यही ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो टूट जाएगा अपने प्रोडक्ट में, कॉन्स्टिट्यूएंट में। यहाँ दो क्लोरीन है तो बैलेंस करने के लिए आप टू कर देंगे यहाँ, तो यहाँ पे जो सिल्वर है वो दो हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ दो लगा देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास ए जी बी आर भी हो, इसको क्या बोल देंगे, ए जी स्टैंड फॉर सिल्वर, तो सिल्वर ब्रोमाइड भी हो, इसको भी अगर आप सनलाइट दे रहे हैं तो इससे क्या होता है, तो इससे ए जी आप बैलेंस करने के लिए अगेन आपको यहाँ टू कर दें। अब यहाँ पे इसका एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है, कि इसका यूज हो जाता है किसमें, तो इसका यूज होता है फोटोग्राफी में, जो आप लोग पहले जो फोटोग्राफी होता था जिसमें रील वगैरह होता था, आप लोग जानते होंगे शायद रील से, तो उसमें यूज होता था, ठीक है, इसका फोटोग्राफी में, तो ये होता था। खैर ये कैसे होता था उतना आपके सिलेबस से मतलब नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है, कैसे होता है। और जब सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा तो वो भी जो एक्स्ट्रा बच रहा है अभी, जैसे फोटोग्राफी में इसका कैसे यूज होता है, व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, वो सभी वीडियो आएगी, तत्काल देखते रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, दोनों एक ही है, तो दोनों को मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा, किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।